क्या आपकी लाइफ में डिप्रेशन की कमी है? क्या आपकी गर्लफ्रेंड ने कलेश करना बंद कर दिया है? क्या आपकी जिंदगी भी तरक्की के रास्ते पे जा रही है? और क्या आप अपने खुशहाल जीवन से परेशान हैं? तो चिंता मत करो, तुम्हारे और मेरे 3 महीने बर्बाद करने के लिए आ चुका है बिग बॉस 17। खुले आम बताकर फेवरेटिज्म भी करूंगा और डंके की चोट पर बायस भी रहूंगा, क्योंकि ये मेरा एरिया है। इलाके एरिया की बात चल रही है भाई, क्या बात है कि ये मेरा एरिया है और मैं इस एरिया के माइक्स के बैटरी चेंज करने का अलार्म। यहाँ दिल दिया गल्ला होंगी। ओहो, दिल दिया गल्ला जाए, मैं तुम्हें दिल दिया गल्ला दिखाता हूँ। प्यार की हवाएं चलेंगी। जो दिल कहता है वही कहने में तो असल मजा आता है, जहाँ दिल रहता है वही रहने में तो असल मजा आता है। भाई बिग बॉस, एक बात बताओ, ये शायरी तुम खुद लिख रहे हो कि तुमने ट्रेन के टॉयलेट के पीछे से पढ़ी है? नहीं, मैं पूछ रहा हूँ क्योंकि शो भी तुम्हारा टट्टी। अच्छा, इस बार बहुत कमाल कर दिया बिग बॉस ने, बहुत ही जाने माने सेलिब्रिटीज को बुलाया है, पर लिस्ट शायद वो नीचे से पढ़ रहे थे। बिग बॉस को देखना इज लाइक वॉचिंग इंडियाज गॉट टैलेंट। अगर कलेश करना टैलेंट होता तो तो चलो तुम्हें कंटेस्टेंट्स के बारे में बता देता हूँ। तो सबसे पहले आ जाती है मनारा चोपड़ा। मनारा चोपड़ा जिसको लोग डुप्लीकेट परिणीति चोपड़ा भी कहते हैं, क्योंकि इसकी शक्ल उससे मिलती है, और मिलती है क्योंकि ये दूर के कजन्स हैं। हाँ जी, परिणीति चोपड़ा और प्रियंका चोपड़ा इसके दूर के कजन्स हैं। और मनारा की बात मानी जाए तो उसने इंडस्ट्री में काफी काम कर रखा है। प्रियंका चोपड़ा की चचेरी बहन मनारा चोपड़ा डायरेक्टर AS रवि कुमार चौधरी के साथ अपने रीसेंट किस कॉन्ट्रोवर्सी के कारण सुर्खियों में है, बट उसके बावजूद भी उसको कोई जानता नहीं है। पर ऐसा क्यों? मनारा झुकेगा नहीं। यस सर, कभी भी नहीं। वेरी कूल। देखो, इंडस्ट्री है तो झुकना तो पड़ेगा सक्सेसफुल होने के लिए, क्यों सलमान भाई। अच्छा, मनारा का फेवरेट वर्ड वाइब है, और मनारा ना बहुत ही एक कंफ्यूजिंग सी पर्सनालिटी है घर में, क्योंकि इसकी बॉडी लैंग्वेज और बात करने का तरीका सारा का सारा साउथ दिल्ली वाला है, पर हरकतें सारी वेस्ट वाली है। वाइब है मेरी, वाइब ही अलग। सो यू नो, आपको डॉक्टर को दिखाया? फिर आ जाता है मुनव्वर फारूकी। अनसेन की आवाज सुन के पता बारिश गिरने लगती थी। बिग बॉस की आवाज से ना बाकी शो की TRP गिरने लगती। भाई भाई भाई, आपकी इस चुटकुलेबाजी एक्टिंग और रंड विनाशक कॉमेडी से तो मेरी हंसते हंसते मुंह से पार निकल गई। ये जोक्स मुनव्वर ने लिखे ये मैं मान ही नहीं सकता, ये कलर्स की टीम ने लिख के दिए हैं घटिया जोक्स, आई एम प्रीटी श्योर। तेरे से 36 आते हमारे पास, हमने कंटेस्टेंट के लिए कॉल किया। अरे सलमान भाई का क्या रिएक्शन है भाई, अगला बंदा कॉमेडी कर रहा है, पैसे क्यों बैठे हो जैसे आप पाइल्स के मरीज हो। मुझे बवासीर है पर ऑपरेशन से डरता हूँ। और फिर मुनव्वर और सलमान भाई में कुछ भाइयों वाले बातें हुई जेल को लेके, गिरफ्त में रहना, हिरासत, हवालात, ये सब लकी है क्या तुम्हारे लिए? भाई मुनव्वर बहुत खराब है भाई, उसने सलमान भाई के सारे पुराने घाव को रेत दिए। फिर आ जाता है नवेद। कुछ कुछ होता है। अरे कौन भौंक रहा है ये बदतमीज? मुझे समझ नहीं आता हर साल एक फॉरेनर क्यों होता है भाई बिग बॉस में। मतलब जिस शो में हिंदी बोलना जरूरी है, तुम ऐसे बंदे को बुला के सीट खराब क्यों करते हो कंटेस्टेंट की, जिसको हिंदी बोलनी नहीं आती है ना ही समझ आती है। गुड क्वेश्चन, यू आर ए गुड क्वेश्चन। नेक्स्ट। ये कोई तुम्हारा टूरिज्म बढ़ाने का स्कीम है क्या सरकार के साथ? अब बात कर लेते हैं सीजन के कपल्स की। भाई कपल्स बिग बॉस ने ऐसे ढूंढ ढूंढ के निकाले जिनके जीवन में जहर घुलाओ, कलेश, एकदम बर्बाद जीवन हो, जिनके वो ढूंढ ढूंढ के इन्होंने लोग निकाले। टॉक्सिक कपल नंबर 1 है ऐश्वर्या और नील। और मैं चिल्ला दूंगा तुझ पे अभी। अगर तुम इनके इंस्टाग्राम पे जाओगे, इनकी रील्स देखोगे तो प्यार फैला हुआ है भाई, क्रिंज, बिल्कुल ही क्रिंज मोहब्बत निब्बा निब्बी वाली। मौत मुझे क्यों नहीं आ जाती है घर के अंदर। चला और उसके बाद बेचारा नील जब ऐश्वर्या से कुछ बात करने की कोशिश करता है तो ऐश्वर्या कहती है, दोनों बात कर रहे हैं, हम दोनों की बात है। ये दिन देखने से पहले राजू तलवार मर क्यों नहीं जाता है? अब तो मुझे ये भी समझ नहीं आता कि बच्चा बोल के नील इसको प्यार जता रहा है कि टॉन्ट मार रहा है। फिर आ जाते हैं टॉक्सिक कपल नंबर 2, अंकिता लोखंडे और विकी। भाई विकी कौन है मुझे नहीं पता, पर इन दोनों के रिलेशनशिप के लोखंडे लगे हुए हैं। तू सबके साथ रहता है, मेरे पास कहाँ रहता है? घर पे रहते हैं हम दोनों, क्यों आए फिर? क्या कह रहा है? वैसे तो अंकिता पूरा दिन ये कहती रहती है कि विकी मुझसे बात नहीं करता। मुझे घर से आते हुए बोला था हम सब साथ रहेंगे, हम दोनों, तू कहीं नहीं है। पर जब विकी उससे बात करने आता है तो ठीक है, मैं और मेहनत करूंगा, सॉरी। डोंट डू दैट। अरे चाहिए क्या हो रज को?
अंकिता लोखंडे को हम सब पवित्र रिश्ता नाम के एक सीरियल से जानते हैं क्योंकि हमारी मम्मियों ने बहुत देखा हुआ है। ये उस टाइम पे कुछ ऐसी दिखती थी और 3,500 से 4,000 एपिसोड करने के बाद इसकी शक्ल कुछ ऐसी हो गई है। ये वोल्डेमॉर्ट कैसे बन गई? मुझे घर से आते हुए बोला था हम सब साथ रहेंगे, हम दोनों तो कहीं नहीं। अब आ जाते हैं हमारे टॉक्सिक कपल नंबर 3 पे। तीन तिगाड़ा काम बिगाड़ा वाली जो कहावत है वो इनके ऊपर एकदम परफेक्ट बैठती है। मैं तुम्हें समझाता हूँ। तो ये तीन लोग हैं पर ये कपल है, मतलब ईशा, अभिषेक और समर्थ, ये तीनों कपल है। अबे तू थोड़ा सा बहन का लो। मैं तुम्हें समराइज करके देता हूँ। तो ईशा, बिग बॉस आपसे जानना चाहते हैं क्या समर्थ आपका बॉयफ्रेंड है? नहीं। तो ईशा, बिग बॉस आपसे जानना चाहते हैं क्या अभिषेक आपका बॉयफ्रेंड है? नहीं। पर ईशा, समर्थ तो कह रहा है कि वो आपका बॉयफ्रेंड है। हाँ बिग बॉस, मैं एक्सेप्ट करती हूँ, समर्थ मेरा बॉयफ्रेंड है। तो ईशा, आप अपना बेड किसके साथ शेयर करना चाहेंगी? सर, मैं अभिषेक को ही रखना चाहूंगी। तो भाई इन्होंने पता नहीं क्या भसड़े मचा रखे हैं। ये 19 साल की लड़की है ईशा। ये अभिषेक और समर्थ किसी उडारिया नाम के सीरियल में काम करते हैं और इनका लव ट्रायंगल बैठा हुआ है। ये लड़की दोनों का बेवकूफ बना रही है। इस लड़की को अपने दोनों हाथों में लड्डू चाहिए। ये कैन डू जनरेशन है, कैन डू जनरेशन है। टिपिकल 19 साल की लड़कियां यार मोस्टली अटेंशन सीकर होती हैं। अरे पड़ोसी के लिए छोड़ दो मुझे। हम नहीं छोड़ सकते राखी जी आपको। अरे भगवान के लिए छोड़ दो, पड़ोसी के लिए छोड़ दो मुझे। ओके, अब आ जाते हैं हमारे YouTube सेलिब्रिटीज पे जो बिग बॉस में हैं। तो इस साल हमारे पास हैं अरुण, वो हैदराबादी हैं और उनकी बीवी फॉरेनर हैं। इससे ऊपर मैं उनके बारे में कुछ नहीं जानता हूँ। अब तक जितना बिग बॉस मैंने देखा है, मैं अरुण भाई के बारे में बस इतनी बात समझ पाया हूँ कि वो एक बहुत ही डेंजरस गुस्से वाला इंसान है। इतने डेंजरस हैं कि एक दिन गुस्से में इन्होंने सोचा कि मैं बिग बॉस के घर की धरती फाड़ दूंगा। उसके बाद आ जाते हैं हमारे सनी तहल का भाई। ये तुमने कहीं ना कहीं इनको देखा ही होगा क्योंकि ये प्रैंक्स करते हैं। ये इतने बड़े प्रैंकस्टर हैं कि ये चैरिटी के नाम पे भी प्रैंक कर देते हैं। सारा सामान कितने का है? तो अंकल जी बता रहे हैं ये सामान 200 रुपए का है, 300 रुपए का है, खरीद ले, ले ले सारा सारा सामान ले ले। मेरा नाम है तहलका भाई, मैं जहाँ जाता हूँ सारा सामान ले लेता हूँ 300 रुपए के। इस बंदे ने पूरी शाम लगा के वो ठेला ढूंढा है जिसपे 300-200 रुपए से ऊपर का सामान ना हो। बहुत हैवी चैरिटी करता है भाई ये बंदा, बहुत हैवी चैरिटी। भाई ने इतनी हैवी चैरिटी कर दी कि आसपास के लोगों को प्रैंक लग रहा है ये। अफवाहों की माने तो इस वीडियो के बाद से वरुण प्रूथी इस इंसान को मारने की कोशिश में है। मैं जहाँ जाता हूँ सारा सामान ले लेता हूँ। भाई मेरी तरफ से तू गोखा। 300 के केले खरीदने के बाद तहलका भाई, मैं तो नहीं हूँ इंसानों में। 300 के केले बांटने के बाद तहलका भाई, पार्टी हो रही बहुत भयंकर, पार्टी के गजब नजारे। ये मैं पूरे दिन कर सकता हूँ। अब यूके बदमाश को तो तुम जानते ही होगे, यूके 07 राइडर अनुराग दोबाल। तूने चॉपिंग क्या किया सुबह का आटा भाई? मेरा मुंह निकल गई, मेरी जबान टूट गई यार। भाई ये बंदा अपने आप को बाबू भैया बोलता है। मैंने इसके कुछ व्लॉग्स देखे हैं। मुझे ये पता था कि लोग इसकी कम्युनिटी इसको बाबू भैया बुलाती है, पर ये खुद को बाबू भैया बुलाता है। भाई ये कितनी अजीब चीज है। इमेजिन करो सिचुएशन, एक मैं तुम्हें बोलता हूँ गाइस प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो एंड ऑल, और एक मैं वीडियो खत्म होने के बाद बोलता हूँ जय भाई के चैनल को तुम लोग सब्सक्राइब नहीं कर रहे हो। और बाबू भैया को मैं रोस्ट नहीं करूंगा क्योंकि बाबू भैया की एल्विश भाई से दोस्ती है, और भाई मुझे डर लगता है क्योंकि सुनने में आ रहा है कि एल्विश भाई के पास बहुत सारे सांप हैं। घर में जाने के बाद एक दो बार अनुराग भाई ने सिस्टम क्या बोल दिया, बिग बॉस ने इन्हीं का सिस्टम हैंग कर दिया। अनुराग डांस करेंगे क्या? भाई बिग बॉस खुद बेइज्जती करते रहे भाई इस बंदे की। बिग बॉस अगर ये बोलते हैं कि भाई अगर इस ग्रुप से इस घर से दूसरे वाला नॉमिनेट करना है, दूसरे ग्रुप से इस वाला नॉमिनेट करना है, तो अगर तू मेरे मैं तेरे अनुराग बाबा का अगर प्रवचन पूरा हो गया हो तो क्यों ना आप सभी मोहल्ले के चौ। और जिस हिसाब से ये सब चल रहा है ना, मुझे लग रहा है बाहर आते आते तो इसकी हायाबूसा का हायाभोसड़ा और फिर सनी भाई के साथ इसको अपनी बाइक पे केले बेचने पड़ जाएंगे। सबको कवर नहीं करूंगा, पर एक और इंटरेस्टिंग कैरेक्टर है घर में जिसका नाम है फिरोजा खान उर्फ खान जादी। मजा आएगा, झगड़ा हो रहा है अब ये हुई ना बात। MTV हसल से तुम में से बहुत सारे लोग खानजादी को जानते होंगे। मीडियो का रैप लिखने के अलावा खानजादी के और भी शौक हैं, जैसे पीठा खाना। कोई
कोई मुझे पीठा बना के दो अभी, कोई मुझे पीठा बना के दो, पीठा मेक पीठा, आई वांट टू ईट पीठा, आई वांट टू ईट मैस्टेड फूड। बाय जोक्स अपार्ट आई लव इट, पीठा दो पीठा दो। तो भाई तुम लोग को कॉन्टेक्स्ट समझ आता है इसलिए मैंने ये वीडियो बनाया है, क्योंकि मैं सोच रहा हूँ ये सीरीज कंटिन्यू करने की। जब तक यूके बदमाश घर में है तब तक मीम कंटेंट खत्म नहीं होने वाला और मैं अपलोड करने वाला हूँ। सो दिस इज इट फॉर दिस वीडियो एंड आई विल सी यू ब्रोस इन द नेक्स्ट वन। पीस।